जिनकी लीला है अपरंपार। आज हम खड़े हैं राम के द्वार। दोस्तों आज मैं दिखाना चाहूँगा आपको अति प्राचीन काल की मंदिर जो पंजाब में है। पंजाब में आप लोग बहुत गुरुद्वारा देखे होंगे, लेकिन पंजाब में मैं जिस धरती पे खड़ा हूँ ये बलाचौर का और बाला सिंह नाम के एक राजस्थान से चलकर आया और इसकी स्थापना की है। मैं अंदर आपको दिखाऊंगा, आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये अति प्राचीन मंदिर है। आप लोग ने अब तक गुरुद्वारा देखा पंजाब में, लेकिन इसको बचाने वाले भी एक मतलब हिंदू थे और आए। गुरुद्वारा नहीं है, यहाँ पे लोग हर तरह के कोई धर्म के हर धर्म के लोग आते हैं और मत्था टेकते हैं। जैसे गुरुद्वारे में टेकते हैं उससे इस मंदिर में, ये मंदिर बहुत पुरानी है। उस मंदिर की परिकल्पना हम जानना चाहेंगे, यहाँ के पुजारी से आपको दिखाते हैं। आओ आते चलते हैं और बहुत अद्भुत मंदिर और वीडियो में आपको क्लिप भी इसका दिखाएंगे। बहुत बड़ी मंदिर और देखने में इसकी तुलना हम कैसे करें, हम कुछ हम निकाल कट करो खाते हैं। आओ ये है यहाँ से हम जाते हैं मंदिर में और यहाँ से लोग ये रहा। ये मंदिर आप देख रहे हैं बहुत ही इसमें दिवाली पे हर दिवाली के हर साल में बहुत बड़ा मेला लगता है। इसके साथ साथ लोग आते हैं और अपनी मन्नतें पूरा करते हैं। देखिए यहाँ है भोलेनाथ जी हैं, यह भोलेनाथ और राम जी की, कृष्ण जी की, सभी मतलब देख सकते हैं आप कितना है। इस मंदिर में जो भी आता है अपनी मनोकामना पूर्ण करता है और इस मंदिर से मैं भी मांग करूँगा कि मेरी कामना भी पूर्ण हो। और आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी है भी है, यहाँ पर है हनुमान जी हैं। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, ऊपर दिखा दूँ, ऊपर दिखा दूँ, ऊपर आप देख सकते हैं ये है शिव जी की पिंड है। शिव जी की पिंड है, यहाँ पे नाग देवता भी हैं और लोग आते हैं अपनी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं और पूर्ण करने के साथ साथ जो भी हो जैसे बहुत आते हैं। इधर मैं दिखाता हूँ और लेके चलता हूँ आपको। इधर से है ये है यहाँ पे मेला लगा था, मेला लगने के उपरांत ये सजाया गया और बहुत बड़ा मेला यहाँ पे शायद लगता होगा। ऐसे ही है यहाँ पे पंडित जी हैं, मैं पंडित जी से जानना चाहता हूँ। यहाँ पे पंडित जी आते हैं ना पंडित जी, पंडित जी यहाँ के जो इस मंदिर की देख रेख करते हैं और बताते हैं कि बहुत अति प्राचीन मंदिर है। और हमें लग रहा है कि ये जब बलाचौर पंजाब में बलाचौर है डिस्ट्रिक्ट नवा शहर में आता है और जब ये बलाचौर का स्थापना किया गया था उसी समय से मंदिर है। आपने गुरुद्वारा बहुत देखा लेकिन आज मैं पंजाब में ऐसी मंदिर दिखा रहा हूँ आपको और पंडित जी से मैं जानना चाह रहा हूँ कि पंडित जी ये आप यहाँ कब से हैं। मुझे यहाँ 15 साल पंडित जी यहाँ पे 15 साल से 15 साल में पंडित जी आप जब से आए हैं तो इस मंदिर में क्या आपने देखा। मंदिर ऐसा नहीं बहुत छोटा मंदिर। अच्छा उसके बाद में बाबा जी की प्राचीन मंदिर थी इसको तो पंडित जी ये बताइए जैसे यहाँ पे गुरुद्वारे बहुत काफ़ी हैं अब तक पंजाब में मैं गुरुद्वारा मंदिर अति प्राचीन मंदिर है तो जैसे क्या गुरुद्वारे में लोग जाते हैं वैसे मंदिर में भी आते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही इसमें आते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, सभी अच्छा मतलब सभी धर्म के सभी धर्म के लोग कोई पाबंदी नहीं कोई पाबंदी सभी जाति के सभी धर्म के लोग। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है जिस मतलब मनोकामना पूर्ण हो। हाँ मेरी मनो की पूर्ण स्थान किस तरह की मनोकामना पूर्ण हो आपने अपने जीवन में
कैसे लोगों को देखा है? मैंने यहाँ बहुत नवविवाहित जोड़े, जैसे जिनके पुत्र बच्चे नहीं, अच्छा निसंतान लोग जिनको संतान नहीं हुई, उनको बाबा जी के यहाँ आने से मत्था टेक की हो रही है। जो लोग अपने जैसे बाहर विदेश जाना या बच्चे रोजगार के लिए, जो भी अपना मनोकामना यहाँ लेके बाबा जी के दरबार में आता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। देखिए ये मंदिर पंजाब में है और पंजाब में अति प्राचीन मंदिर है और मनोकामना, हर तरह की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। पंडित जी ने भी कहा और इन्होंने अपने आंखों से देखा है और कुछ पेपर का कटिंग है, मैं जो वीडियो में आपको क्लिप करके दिखाऊंगा, आप देखेंगे हकीकत क्या है और इसमें कहाँ से कैसे हो रहा है। पेपर में सारा आपको दिखेगा और मैं वीडियो के क्लिप में डालूंगा। पंडित जी, लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जैसे पहले में और आज में, 15 साल पहले इस मंदिर में आपको क्या देखा और आज में क्या फर्क दिख रहा है 2020 में? जैसे जैसे मंदिर, जैसे जैसे टाइम निकलता है, वैसे वैसे भक्तों की और श्रद्धा बढ़ती जा रही है। अच्छा, श्रद्धा बढ़ती जा रही है जी। पहले से संगत और ज़्यादा बढ़ी है। अच्छा, और लोग ज़्यादा जुड़े हैं। अच्छा जी, पहले उतना बाबा जी का ये दीपावली से 2 दिन छिंदे मेला होता है, इसमें पहले इतना वो नहीं होता था जितना अब जाता है। अच्छा, तो यानी कि मेला बहुत बड़ा मेला था, बहुत प्राचीन मेला, बहुत बड़ा मेला लगता है और यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। आपने पंडित जी के सामने देखा है, जो जो बच्चा जिसका पैदा ना होता है वो आता है, अपना मनोकामना जिसका बच्चा भी होता है सभी तरह से, मतलब यहाँ कोई धर्म का वो नहीं है, सभी धर्म के लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद।